दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ के अनोखे रिवाज चर्चा के विषय बने रहते हैं। कईयों पर तो भरोसा करना भी मुश्किल होता है। ऐसे ही कई परंपराएं निभाई जाती हैं अफ्रीका की हिम्बा जनजातियों के बीच, जहाँ लोग मेहमानों के साथ पत्नी को सुलाते हैं और यहाँ लड़कियों सिर्फ एक ही दिन नहाती हैं, वो भी अपनी शादी के रोज। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण और क्या है हिम्बा जनजाति। दोस्तों, हिम्बा जनजातियों की लड़की के केवल एक ही दिन नहाने की परंपरा है, वो भी शादी के दिन। ऐसा वहाँ पानी की कमी के कारण किया जाता है। हालांकि सारी उम्र न नहाने के बाद भी इनकी महिलाओं के शरीर से बदबू नहीं आती। इसके लिए वो एक खास किस्म का पेस्ट का उपयोग करती है, जो तेल में एक खनिज की धूल मिलाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ महिलाएं जिस लेप का उपयोग करती है वो सिर्फ गंध मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि कई और काम आता है। ये खास लेप इन महिलाओं को धूप से बचाने के साथ ही कीट पतंगों से त्वचा की रक्षा करता है। इससे महिलाओं के चेहरे पर निखार आता है, जिससे इनका रंग हल्का दिखाई देता है। हिम्बा जनजाति महिलाएं जड़ी बूटियों का धुआं अपने शरीर में लगाती है। दोस्तों, सबसे अजीब बात यहाँ है कि यहाँ के लोग मेहमानों की आवभगत के लिए अपनी बीवी के साथ सेक्स करने की छूट देते हैं। इस दौरान घर का पुरुष या तो दूसरे कमरे में सोता है या फिर घर के बाहर। हिम्बा जनजाति में पुरुष और महिलाओं को अन्य लोगों के साथ एक से अधिक संबंध बनाने की आज़ादी है।